non-neutral dysfunction की movement को कौन govern कर रहा था? न्यूट्रल स्पाइन की वर्टिकल किस पोजीशन में? ठीक है, तो जो न्यूट्रल मैकेनिक्स है हमारी वॉकिंग के टाइम काम करती है, जब हम चल रहे हैं तो उस टाइम हमारी न्यूट्रल मैकेनिक्स काम करती है स्पाइन के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रल मैकेनिक्स में साइड बेंडिंग एंड रोटेशन हमेशा अपोजिट साइड में होती है, इसमें कोई सेगमेंट के ऊपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कंपोनेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। उसके अंदर क्या हो रहा था, नॉन न्यूट्रल के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कंपोनेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन कहां आएगी, साइड बेंडिंग। वर्टिब्रल नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन में एक या दो वर्टेब्रा के अंदर ही डिसफंक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन के अंदर एक वर्टेब्रा या दो वर्टेब्रा उनके अंदर ही डिसफंक्शन मिल सकता है। नॉन न्यूट्रल न्यूट्रल डिसफंक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्टेब्रा इन्वॉल्व होते हैं और हमेशा स्कोलियोसिस डिवेलप करते हैं स्पाइन के अंदर। स्पाइन में स्कोलियोटिक चेंजेस मिलेंगे, दो से ज्यादा वर्टेब्रा इन्वॉल्व होंगे, साइड बेंडिंग कंपोनेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, रोटेशन एंड साइड बेंडिंग टू अपोजिट साइड। क्लियर? डाउट? नॉन न्यूट्रल में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं मिलेगी, साइड बेंडिंग कंपोनेंट रिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, इसमें कर्वेचर डेवलप होगा स्पाइन के अंदर। ठीक है, और न्यूट्रल डिसफंक्शन इज सेकेंडरी टू नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। न्यूट्रल डिसफंक्शन जो हमें मिलेगा दैट इज मैक्सिमम टाइम सेकेंडरी टू नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन। जहां पे भी हमें ग्रुप डिसफंक्शन मिलेंगे उसके जो सबसे नीचे का सेगमेंट है ना, चांस है मोस्ट प्रोबेबली कि उसके नीचे का सेगमेंट हमें नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन में मिलेगा। तो ग्रुप डिसफंक्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, अगर जो हमें नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन मिल गया तो उस नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन को ही करेक्ट करेंगे, उसके साथ ग्रुप डिसफंक्शन एटी टाइम अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नहीं होता तो फिर हम न्यूट्रल डिसफंक्शन को एड्रेस करेंगे। ठीक है, मान लो एल वन से लेके एल फाइव तक लेफ्ट साइड बैंड दिखाई दे रही है मेरे, ये साइड के सारे ट्रांसवर्स प्रोसेस हमें प्रोमिनेंट मिल रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि मेरा जो एल फाइव है ना, L5 नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन में हो, या तो वो ERS में हो सकता है या फिर वो FRS में हो सकता है। उसकी पोजीशन को अडैप्ट करने के लिए, उसने ऊपर के ऊपर सारे के सारे जितने भी वर्टेब्रा थे वो ग्रुप डिसफंक्शन में चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन न्यूट्रल डिसफंक्शन को करेक्ट करेंगे, अगर जो उसके बाद भी ग्रुप डिसफंक्शन न्यूट्रल डिसफंक्शन हमारा क्रैक नहीं होता तो फिर उसको हम क्रैक करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल डिसफंक्शन हमारा क्या है, ग्रुप डिसफंक्शन है, उसको हम ग्रुप डिसफंक्शन भी कहते हैं न्यूट्रल डिसफंक्शन। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा कॉनकेविटी या कॉनवेक्सिटी, जिस चीज को हम कंसिडर करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लंबर स्पाइन है तो जहां से जहां तक हमारी कर्व डेवलप हो रही है, मान लो L1 से लेके L4 तक हमारी कर्व डेवलप हो रही है, तो कौन सा डिसफंक्शन है ये, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी पोजीशन ऑफ ईज, इरेक्ट पोजीशन में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा आएगा वो आएगा N यानी न्यूट्रल, दूसरा वर्ड स्पाइन की पोजीशन, साइड बेंडिंग टू राइट, साइड बेंडिंग टू राइट एंड रोटेशन टू लेफ्ट। न्यूट्रल साइड बेंडिंग टू राइट एंड रोटेटेड टू लेफ्ट। मैं न्यूट्रल हूं इरेक्ट पोजीशन में, मेरी स्पाइन राइट साइड बेंड है एंड रोटेटेड टू लेफ्ट, तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर होगा। ग्रुप डिसफंक्शन का
मूवमेंट के साथ कोई चेंज नहीं आता ग्रुप डिस्फंक्शन के अंदर। हम पेशेंट को चाहे फ्लेक्शन में ले जाए चाहे हम एक्सटेंशन में ले जाए, ठीक है, तो जो प्रोमिनेंट साइड है वो प्रोमिनेंट ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। बट जो नॉन न्यूट्रल डिस्फंक्शन है उसमें स्पाइन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एक पोजिशन में वो एसिमेट्रिक हो रहा था, दूसरी पोजिशन में वो सिमेट्रिक हो रहा है, बट न्यूट्रल डिस्फंक्शन है इसमें वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, जैसे हमारा यूनिलेटरल सैक्रम में था यूनिलेटरल डिस्फंक्शन। ये चीज डिफरेंशिएट करता है नॉन न्यूट्रल एंड न्यूट्रल डिस्फंक्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? यस सर। यस सर।